कि हमें अदरवाइज हम वीडियो नहीं बना रहे थे। एक चीज देख के हमारा मन नहीं किया कि मैं वीडियो बना ले वो चीज़। सूरज ऋतविज की सच्चाई देख लीजिए, गर्लफ्रेंड पटाके बैठे हैं उनके लिए ये भी, पर ब्रेकअप हो गया। बोले बेचारे का जैसे ही देने थे ये ब्रेकअप हो गया उससे पहले। हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल द लाइफ ऑफ कुल्लू। सो गाइज, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर वीडियो दिख रही है तो आपको पीछे एक इंसान दिख रहा है जो कि आप इसका नाम जानते होने शायद या नहीं भी जानते होने। तो ये है जी सूरज ऋतविज, और हम दोनों यहाँ पर इकट्ठा कैसे हुए तो मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ आपको पूरी तरह से अच्छे से क्यों। सो गाइज, जहाँ आप सभी को पता है कि मैं बीएड करती हूँ, तो बीएड करने के लिए मैं आई हूँ यहाँ पर गड़सा को। तो मैं गड़सा में रूम रखा है तो मैं यहाँ पर करती हूँ बीएड, और मेरा रूम भी है यहाँ पर। तो सूरज ऋतविज आपको पीछे सफाई करते हुए और कपड़ों को रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी आए यहाँ पर JBT करने के लिए गड़सा कॉलेज में। तो इन्होंने कर लिया JBT, मैंने इनको रूम ढूंढा था यहाँ पर, पहले इनका कन्फर्म नहीं था, इन्होंने सोचा कि सरकारी नंबर लग जाए तो तब शायद नहीं आ पाए। तो बाई चांस इनका नहीं लगा वहाँ पर नंबर, तो चलिए यहाँ पर भी रूम थे वैसे काफ़ी, इनका नहीं लगने वाला था यहाँ पर नंबर ना रूम में, ये तो पता नहीं इनकी किस्मत ठीक थे तब बच गए थे इनके लिए रूम, अदरवाइज पहले ही फुल हो गए थे यहाँ पर रूम, बस एक बचा था। वैसे अभी दो बचे हैं पर वो थोड़ी लेट खाली होंगे ना अभी के लिए, मतलब एक ही था ये सिर्फ खाली बचा हुआ। तो ये भी आए यहाँ पर, फिर इनके लिए रूम ढूंढ लिया मैंने ही, तो सब कुछ हो गया एडजस्ट। और अभी ये थोड़े से बीमार है, इनको मैंने आपको दिखाया था दिवाली की वीडियो में, मिले थे हमारे को तब से ये बीमार है, दिवाली से पहले के दशहरे की वीडियो में, हाँ उससे पहले ये उसके पहले के बीमार बेचारे अभी तक भी ठीक नहीं हुए। तीन चार दिन तो इनकी ऐसी बुरी हालत हो गई ना, मतलब बेड रेस्ट था बिल्कुल, बिस्तर में ही सोए हुए थे। तो आज भी बड़ी मुश्किल से आए यहाँ पर, तो अभी भी यही काम कर रहे हैं, मैं तो यहाँ पर बैठी हुई इनको देख रही हूँ बस। इन ये ना सेटिंग कर रहे हैं, पीछे देखिए कपड़े दिख रहे हैं आपको, हाँ जी वीकनेस आ गई थी बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे दर्द किसी को ना दे भगवान भाई। बस आप ब्लॉग में बने रहिए, एंजॉय कीजिए, बाकी आज आपको बस मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसा है, तो आपको हाँ अब आपको आराम आराम से मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे ब्लॉग, क्योंकि अब सूरज ऋतविज भी आ गए हैं तो हम साथ में वीडियो बनाया करेंगे। और अब तो है तब एक संगी मिल गया घूमने के लिए भी मिल गए और वीडियो बनाने के लिए भी, सब कुछ के लिए, मतलब मैं तो इनके साथ पहले से ही फेंक रहती हूँ वैसे भी, तो बस बनाया करेंगे। हाँ हाँ एक बात जो ज़रूरी है वही तो मैं भूल गई यहाँ पर बताना है, अभी मैं यहाँ तब भी तो वीडियो बनाने का मन किया मेरा, अदरवाइज हम वीडियो नहीं बना रहे थे। एक चीज़ देख के हमारा मन नहीं किया कि मैं वीडियो बना ले वो चीज़ थी ये वाली, बोला ये गिफ्ट लिया तो बोला मैंने कितने साल पहले ये, हाँ ये क्या होते कितने दो दो जॉब छोड़ी थी मैं, जॉब के टाइम जैसे क्या मैं जॉब करता हूँ, कौन सी जॉब, वो कंपनी में था ना मैं कंप्यूटर ऑपरेटर, हाँ तब जाके लिया था उस टाइम। अच्छा अच्छा जब जॉब करता था ना तब लिया था उसको, मतलब कितने साल पहले की बात है ये, दो साल पहले गाइस ये गिफ्ट लिया था इन्होंने किसी के लिए, इनकी पोल खोलेंगे हम पूरी मैं आपको गिफ्ट दिखाती हूँ ज़रा, ये जो है ना ये देखिए यहाँ से यहाँ देखिए गिफ्ट, वो भी गिफ्ट किसका है भाई, लड़कियों का, वो भी क्या है बोलते क्या इनको है? क्या बोल ज्वेलरी, मेरे को नहीं पता होता सच में, मैं खुद नहीं लेती ऐसी इन चीज़ों को, मेरे खुद के शौक नहीं है ये ना, इन्होंने बोला 900 की ली थी 200-300 पहले, ऑनलाइन के ऑफलाइन, ऑनलाइन ना कहाँ से, ये पेवरा क्या होता है, पेवरा से ली थी बोला 900 की ज्वेलरीज है ये झुमके कान के, छी मैं तो इनको बोल रही थी ऐसे झुमके क्या लिए भाई, अगर मैं इनको पहनती तो मैं तो इनको बन के क्वाडन जैसे लगनी थी यार बोला देख ओ आपकी वो कहाँ गई अब, अच्छा ये है वो मांग टीका, मांग टीका क्या बोलेंगे इसको, पता नहीं आप क्या जैसे बोलते थे इसको, ये सेट मंगाए वीडियो हो रही बड़ी लंबी ना गाइज, मैं पहन के देख लेती हूँ इसकी, इन सॉरी इसकी क्या सॉरी, इनकी गर्लफ्रेंड ने तो पहना नहीं, चलिए ट्राई करती हूँ मैं, वैसे मैं लड़की दोस्ती हूँ इनकी यहाँ देखिए गाइज परे करो
ऐसे इन चीजों को नहीं हम पहनते हैं। चंपू लग गया। किस चंपू? मतलब एग्जाम पर यार। सूरज ऋतविज की सच्चाई देख लीजिए, गर्लफ्रेंड पटा के बैठे हैं, उनके लिए ये भी पर ब्रेकअप हो गया। बोले बेचारे का जैसे ही देने थे ये ब्रेकअप हो गया उससे पहले। बोला हे भगवान कौन होनी आप कैसी गर्लफ्रेंड है जो इतनी कीमती कीमती सामान लेने से पहले ही भाग गई। भाई देखिए ना कितने पहले से रखे इन्होंने ये संभाल के। भाई प्यार भी बड़ी क्या चीज होती है, क्या बोले, प्यार भी क्या चीज होती है। किसी को दिल से संभाल लिया होता तो वो भाग जाते हैं, क्या करना। आपने बोला क्या नहीं है मेरे पास। सुनो सुनो सुनो, पर ये चीज ना मैं मजाक में बोल रही हूँ उनको, पर इनके साथ बहुत दिल की यादें जुड़ी हो रही उसके साथ शायद, तो बेचारे इनको तो बहुत दुख हुआ होगा जब उसने इनको छोड़ा। तो हाँ बहुत दुख हुआ होगा इनको, यादें जुड़ी है भाई। अब पता नहीं कब तक इनको संभाल के रखेंगे, फिर सोचेंगे भाई ब्रेकअप हो गया था उस दिन, तो पता नहीं क्या क्या। चलिए गाइस कुछ भी है, वो मैं थी इनको फोड़ने में मस्त, ऐसे मजा आ रहा है मेरे को। बबल रैप है। हाँ बबल रैप, यही वीडियो करूँगी मैं इकट्ठे ना, जैसे है वैसे ही बनाऊंगी इसको, वैसे ही डालूंगी, कोई एडिटिंग नहीं आएगी इस वीडियो में। आपको रियलिटी में जो जो हो रहा है वो हम दिखाते जाएंगे। और जी हाँ ये बोल रहे थे मेरे को पहले ना, एक बात बोल रहे थे कि बोला मेरे पास है गिटार, मैं सोचा ये बोल रहे उन्हें झूठ। बोला सच में, बोला जब बोले रूम आऊँगा तब लाऊँगा। फिर इन्होंने सच में ही भाई इनके पास गिटार भी है। मैंने बोला ओहो आप तो गिटार वाले हैं, अब बोले दोनों ही साथ में गाने भी गाएंगे, मजे भी करेंगे। ये जिनका कीमती गिफ्ट यूट्यूब पे लाइव चलेंगे। मेरे को तो बड़ा दुख हो रहा है जब मैंने इस चीज को देखा, सच में दुख हो गया मेरे को भाई। भाई क्या करना, फेंक दो इनको, जो चीज हट गई तो चलो करो परे उनको। किसको? गर्लफ्रेंड को। दिखाओ दिखाओ इधर आओ। क्या? रुको 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 गाइज मैं दिखाती हूँ आपको सामान। सुन मैं थी सफाई करने के लिए आई हूँ, पर मेरे से सच में ना मेरा हो गया क्या हुआ सुबह। हाँ देर आ रहा है। सुबह से ना हम पहले खाना खाया, कपड़े धोए, तो मैं तो थक गई थी, इन्होंने तो नहीं कुछ काम किया। रूम की हालत दिखाते हैं गाइज आपको, यहाँ देखिए रूम की नहीं इनकी हालत दिखाते पहले। सुबह से ना हमने मतलब खाना खाया, मैं लेट उठी थी आज, कितने बजे आप पता नहीं 10 बजे उठी हूँ मैं, फिर 11 बजे तक हम ऐसे ही रिड़क रहे थे बाहर, उसके बाद 12 बजे तक खाना खाया, 1 बजे तक मैंने कपड़े धोए, और इन्होंने तो इनको तो बना बनाया खाना भी मिला सब कुछ मजे, और मैं थक गई मेरे को हो गई सुस्ती ना। पर अभी अपने रूम का सेटअप यही कर रहे हैं, वैसे मैंने नीस का कुछ जस किया उतना मैं यहाँ पर, इन्होंने बोला चलो तब तो मैंने बैठो, बोला आप बैठने का ही काम करो चाहे, मैंने सोचा बहुत स्यापा हुआ, क्योंकि जब मैंने अपना रूम उठाया था ना, उठाया था क्या लाया था सामान, तो मैंने की थी ऐसी सफाई ना, तब करके सोचा मैंने कि यहाँ तो बड़ा भारी काम होगा, पर इनके रूम में नहीं उतना साफ सफाई का काम, इतनी सारी अलमारियाँ परे पड़ी हुई है, इसके अंदर डालो सामान और बाकी नीचे साफ सफाई करो एक बार बस। सारा सामान तो इसमें लिए। और आपको रूम दिखाएंगे इनका है, हमारे यहाँ पर 2 फ्लोर ना, मेरा नीचे वाले फ्लोर में रूम, इनका है ऊपर वाले फ्लोर में, और यहाँ से ना बाहर को एक ये बाल देखो आपने उस दिन के कल उठाए नहीं है भाई, उठाओ ना मैंने थोड़े उठाए तुम गंदे आपके रूम के कौन है। हाँ ये वाला दरवाजा जो है ना, यहाँ से सीधा बाहर को एक और रूम है, उसके बाहर ऐसा ही दरवाजा है, तो इनका ऐसा मतलब अंदर को आना होगा ना, तो बाहर से एंट्री करके दूसरे रूम से आके यहाँ को एंटर करना, तो इन्होंने नया जुगाड़ किया, अब पीछे से ही आएंगे क्योंकि तंग नहीं करना अच्छा लगता ना बार बार, ये तो पता नहीं कितनी बार जाएंगे ना। चलो अब रूम दिखा देते एक बार, ये क्वाड़ खाने इन्होंने लाया था, ये इनके यहाँ पर ये इन्होंने लाया था अपने रूम से, क्योंकि पहले इनका रूम कुल्लू में था, तो यहाँ पर ये क्वाड़ खाना, ये क्वाड़ खाना, मैं तो आपके इन क्या नाम को क्वाड़ खाना ही बोल रही हूँ। हाँ ये यहाँ ना गाइज थोड़ा गांव का रूम है, तो यहाँ पर किचन के लिए अलग क्या नहीं है वो यहाँ पर करना पड़ेगा, और ये अलमारी जो है यहाँ देखिए खाली, ये अलमारी भी खाली, ये देखो ये दिखाओ अपने कपड़े कैसे रखे, कैसे कैसे रखे हैं, कहाँ हैं यहाँ देखिए गाइज, इनके पास तो बहुत कपड़े, मेरे पास तक नहीं इतने, लड़कियों के पास तक नहीं इतने कपड़े जितने इनके पास है, मैं हूँ गरीब लड़की ना मेरे पास होते वैसे भी कम ही,
नीचे क्या रखा है? तो खजाना है, एक कुवाड़ का खजाना है भाई। यहाँ यहाँ देखे इनका गिटार प्यारा, क्या ये लिखा हुआ? ज्वेज ज्वेज जे है ये। अच्छा यहाँ इन्होंने अपने कपड़े रखे हुए हैं और ये यहाँ पर ये सबसे नीचे ये भगवान यहाँ पर ये और ये आंटी जी वगैरह के सामान है इनमें बीच वाले ओके तिरंगा यहाँ है आंटी जी वगैरह के सामान इसमें बीच वाले इन बड़ों आपने करना ये जो बीच वाली है ना ये है आंटी जी वगैरह की और ये इनकी ये कप। ओहो पिछले कल बोल रहे थे ये मेरे को ले जाओ क्योंकि मेरे को मेरे पास नहीं होता ऐसे कप। मेरे को किसने गिफ्ट ही दिया बर्थडे गिफ्ट? एक इंसान ने दिया मेरे को बर्थडे गिफ्ट आज तक। किसने? चंचल ने, वो भी रिंग। और मेरे को किसी ने दिया सच बोलो तो अगले बर्थडे में प्लीज मेरे को गिफ्ट दे देना सभी जिनके साथ दिल के रिश्ते ठीक होते ना वो नहीं बर्थडे मनाने के लिए सिर्फ उसके दिन देंगे। शट अप। ये गिलास दिया इन्होंने मेरे को गिफ्ट, बहुत प्यारा है ना। हाय अब मैं इसमें चाय पीऊंगी पर मैं यहाँ रूम में कम ही चाय पीती हूँ। अब क्या करना है? खाली ग्लास में चाय पी रही हूँ मैं। चलो आपका इस गिफ्ट के लिए धन्यवाद, मैं समझूंगी ये मेरा बर्थडे गिफ्ट ही है आपके तरफ से दिया हुआ। सो गाइज चलिए मैंने वीडियो में आपको इतना ही दिखाया, बाकी मैं आप ये जो रूम के कचरा खाना रहा ना अभी साफ करने को ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे हो गया सेटअप। आते रहेंगे हम ब्लॉग बनाते रहेंगे यहाँ पर तो आपको दिखाएंगे तब। अभी के लिए मैं वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। सो चलिए गाइस अगर आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आता तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब आप सभी से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। बस बाय 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 जी बाय 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 सबको लव यू ऑल।